अरवल नालागढ़ मॉडर्न वेल इक्विप्ड ओटी आईसीयू इमरजेंसी लिथोट्रिप्सी एंड फैसिलिटी फॉर ऑल टाइप ऑफ जनरल सर्जरी लैप्रोस्कोपिक सर्जरी गायने सर्जरी एंड अदर सर्जरी ऑल्सो। औद्योगिक क्षेत्र बद्दी के तहत संडोली के पास दिन दहाड़े एक व्यापारी से लाखों की लूट का मामला सामने आया है। लुटेरों ने वारदात को उस समय अंजाम दिया जब व्यापारी अपनी बाइक पर सवार होकर आ रहा था। जैसे ही व्यापारी संडोली के पास पहुंचा तो उसी दौरान उसे पहले तो बाइक पर सवार नकाबपोश लुटेरों द्वारा बंदूक से डराया धमकाया गया। जब व्यापारी ने इसका विरोध किया तो लुटेरों ने उसके ऊपर गोली चला दी। व्यापारी पर गोली लगने के कारण वह ज़मीन पर गिर गया और बेहोश हो गया। लुटेरों ने व्यापारी से करीबन 8 लाख रुपए लूट कर फरार हो गए हैं। आसपास के लोगों की मदद से पीड़ित व्यापारी को बद्दी के सिविल अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां पर स्थित डॉक्टरों ने उसकी हालत गंभीर देखते हुए उसे PGI चंडीगढ़ रेफर कर दिया है। फिलहाल घटना की सूचना मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और पुलिस ने औद्योगिक क्षेत्र बद्दी बरोटीवाला नालागढ़ में नाकाबंदी कर दी है और हर आने जाने वाली गाड़ियों की चेकिंग की जा रही है। पुलिस संडोली के पास होटल और दुकानों की CCTV फुटेज खंगाल रही है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। कितने पैसे थे? 7,53,53,000। कहाँ से लेके आए? नालागढ़ से कैश कलेक्ट कर दिया। काय का कैश? मनी ट्रांसफर। अच्छा, क्या नाम क्या है उनका? लाल चंद। कितनी उम्र? उम्र 22 साल। किस पे थे वो? पैदल? बाइक पे। दूसरे वाले भी बाइक पे थे, बिना प्लेट की गाड़ी थी। बता रहा शक्ल में कैसे थे? सतुलिया यंग बिल्कुल। उसकी हालत कैसी है अभी? नाजुक है जी, अभी नाजुक है जी, गोली भी नहीं निकली जी अभी। गोली कहाँ लगी इसको? इधर लगी है। गुंडागर्दी होगी जी यहाँ सर, यहाँ गुंडागर्दी होगी। यहाँ यहाँ कोई गुंडागर्दी है, पुलिस की कोई यहाँ कोई सुनने वाला नहीं है। ये एक साल में इतना ज्यादा कांड होने लग गए यहाँ पे कि पहले भी नहीं होते थे। पहले भी तो हम यहाँ रह रहे, लोकल है हम यहाँ के। जब लोकल बंदों के साथ ऐसे हो रहा है, बाहर के बाहर कहाँ से बचेंगे? घर में आके मार देगा। यहाँ की पुलिस हो रही है, कुछ नहीं कर रही है। कुछ नहीं करते यहाँ पे पुलिस जी, कुछ भी। बंदे चोरी करने वाले वही है, रात दिन लूट करते वही है, नहीं कैसे होती है? कोई बंदे बाहर के नहीं है, यहीं के होंगे बंदे। दो महीने हो गए मेरे केस को भी, 2 महीने में इन्होंने एक बंदा तक नहीं, एक क्लू तक नहीं है इनके पास। ना मोटरसाइकिल पकड़ा इन्होंने, ना कोई बंदे का सुराग अभी तक लगाई। इतने सारे हाईवे रोड है, इसमें कोई नाका नहीं, कुछ नहीं है। नालागढ़ पर जिस दिन हमारे कांड हुआ, स्नैचिंग हुई है 4,65,000 की, उस दिन पुलिस ने नाका लगा लिया। कोई नाका नहीं, उससे पहले कोई देख रहे, कुछ नहीं है। कोई नाका ही नहीं था, फोन क्या आम जनता कोई सुन नहीं है, क्या करेंगे? कोई इस मामले में हमने आपराधिक मामला दर्ज कर दिया है और चारों तरफ हमने नाकाबंदी कर दी है। शीघ्र ही हम आरोपियों को गिरफ्तार करेंगे। नेशन न्यूज के लिए बद्दी से अनवर हुसैन।